तो गाइज यार आज की स्टूडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इस तरीके की HDR ब्राउन इफेक्ट वाली वीडियो के आप कैपकट टैब पर इस तरीके की वीडियोस क्रिएट कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इस पर जो हमारे पास काफ़ी सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें जो है आप कैपकट टैब पर बताएं कि हम किस तरीके से HDR ब्राउन इफेक्ट वाली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पर कैपकट टैब पर ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। और अभी जैसे कि यहाँ से मैं अपनी गैलरी से वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं आपकी ये वाली वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल वीडियो है और अभी यहाँ पर जो इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी यहाँ से मैं इसको 10 सेकंड तक ही ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सप्लीट। सप्लीट करने के बाद अब ये जो वीडियो का आगे वाला पार्ट है ना इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। और इसके अलावा लास्ट में ना आपको इस ऐप का वाटरमार्क भी देखने को मिलता है, तो उसको भी यहाँ से आपने डिलीट करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए आपने चले जाना है इफेक्ट्स पर और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से आपने चले जाना है कॉमिक पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ से स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर देखिए कॉमिक आपको देखने को मिलता है, ये आ गया, ठीक है। तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते जाना है, तो यहाँ पर आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है, BNW स्केच, या आप BNW कॉमिक भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं BNW स्केच ही यूज़ करूँगा, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। और उसके बाद अभी यहाँ से ना आपने इसका ड्यूरेशन उतना कर लेना जितना यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ होगी। तो अभी यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ दोबारा। अभी यहाँ से आपने इसको बैक करना है और दोबारा से यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से आपने आ जाना है बेसिक पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने बेसिक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने देखिए फर्स्ट लाइन में आपको ब्लर वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको भी यहाँ से ओके करना है। और इसका भी यहाँ से आपने ड्यूरेशन उतना कर लेना जितना यहाँ पर आपकी वीडियो की लेंथ होगी। तो सिंपली अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर। तो अभी यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और अभी यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अभी ये जो BNW स्केच वाला इफेक्ट आपने अप्लाई किया था ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने रिप्लेस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर आप दोबारा से आ जाते हो कॉमिक पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमिक पर आने के बाद ना अब आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में देखे नियॉन वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, तो अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है ओके। और अभी यहाँ पर आपने दोबारा से इस वीडियो को एक बार फिर से एक्सपोर्ट कर लेना अपनी गैलरी पर। तो अभी यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से और अभी यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से बैक करने के बाद ना अब ये जो दोनों इफेक्ट है ना आपने इनको यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से इसको बैक करना है और यहाँ पर दोबारा से आपने ओवरले पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे पहले ना अब आपने क्या करना, अपनी गैलरी से वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आपने सबसे पहले एक्सपोर्ट की थी अपनी गैलरी पर। तो हमने ये BNW स्केच वाली वीडियो एक्सपोर्ट की थी, तो अभी यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया अपनी गैलरी से और यहाँ से ना आपने ध्यान से इस वीडियो को इस तरीके से 2 फिंगर के साथ फुल स्क्रीन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने स्प्लाइस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है बर्न, BURN, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है बर्न पर और यहाँ से आपने इसकी ओपासिटी यूज़ करनी है 80 या 70% तक, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। और अभी यहाँ पर आपने दोबारा क्या करना है, यहाँ से इसको बैक करने के बाद अभी आपने दोबारा से ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और अब आपने नियॉन वाली जो वीडियो एक्सपोर्ट की थी ना वो वाली वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है अपनी गैलरी से और इसको भी आपने 2 फिंगर के साथ इस तरीके से फुल स्क्रीन करना है और दोबारा से फिर यहाँ पर स्प्लाइस पर क्लिक करना है और इसको आपने कर देना है यहाँ से डोज। और अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अभी यहाँ पर जो आपकी वीडियो है ना अभी यहाँ पर आपने अपनी वीडियो पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चले जाना है एडजस्ट पर। तो यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए आपने आ जाना है एडजस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर जिसकी ब्राइटनेस है ना इसको भी यहाँ से आपने एडजस्ट करना है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको सैचुरेशन भी देखने को मिल जाता है, एक्सपोजर भी और शार्पन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो शार्पन है ना आपने इसको कम से कम यूज़ करना है और लाजमी इसको यूज़ करना है, तो अभी यहाँ से मैं इसको 10% यूज़ करूँगा। और उसके बाद ना यहाँ पर आपको HSL इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो ब्राउन कलर है ना अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ना आपने अपनी स्किन की एडजस्टमेंट कर लेनी है, जिस कलर में भी आप अपनी स्किन की कलर ग्रेडिंग यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से ईजिली कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको येलो कलर पर जाने के बाद ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से भी आप अपनी स्किन की जो टून है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अभी यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ही रहने देता हूँ और अभी यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अभी यहाँ पर आपने एक और काम करना है, तो यहाँ पर आपने दोबारा से ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्टॉक वीडियोस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वाइट पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ना इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन करना है और अभी यहाँ पर आपने स्प्लाइस पर जाना है और यहाँ से इसको कर देना है ओवरले।
और यहाँ से जो इसकी ओपासिटी है ना, यहाँ से आपने इसको 30% यूज करना है और यहाँ से इसको कर देना है ओके। तो गाइस यार फाइनली जो रिजल्ट है ना वो अब आपके सामने है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैपकट टैब पर HDR ब्राउन इफेक्ट वाली वीडियो क्रिएट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप सेम वही वाली वीडियो सीखना चाहते हो जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर दिखाई थी, तो वो जो वीडियो है ना मैंने अलाइड मोशन ऐप पर एडिट की थी, तो अगर आप वो वाली वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। तो कैपकट ऐप पर रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल भी अच्छी वीडियो एडिट नहीं होती है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड